आम आदमी पार्टी ने इतने बढ़िया काम कर दिए दिल्ली में, पंजाब में, निको हरियाणा वाले ने के खोट कर दिया, वोट हम हमेशा देते आए और टैक्स भी हम देते आए, लेकिन हमारा जुलाना में आज ना तो रोड है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना कोई अच्छे कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, मतलब एक भी चीज़ नहीं है सुविधा के नाम पर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त जुलाना हमारी टीम मौजूद है और जुलाना की राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जाने लग रही, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार का केवल कल का ही दिन बाकी है। इसी कड़ी में हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है कविता दलाल हमारे साथ है। आज इनके कार्यालय पर हम पहुँचे हैं, साथ में इनकी टीम भी है, बड़े बुजुर्ग है, नौजवान युवा साथी सभी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बहन जी ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। राम राम बहन जी। राम राम सभी को। सभी और कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत जोश और उत्साह के साथ, इतना समर्थन मिल रहा है, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। जहाँ भी जा रहे हैं काफिला बढ़ता जा रहा है, लोगों का इतना प्यार, हर जाति 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। अच्छा, बेहतर के बेहतर गाँव में आप घूमे हैं, सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला आपका प्रत्येक गाँव प्रत्येक गली गली में आप गए हैं, किस प्रकार का रुझान, लोगों का लाड प्यार आपके प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है, तो लोगों ने क्या कहा आपसे? लोग तो ये कह रहे थे बेबे हम तो बाटे देखा थे तेरी, आम आदमी पार्टी ने इतने बढ़िया काम कर दिए दिल्ली में, पंजाब में, निको हरियाणा वाले ने के खोट कर दिया, वोट हम हमेशा देते आए और टैक्स भी हम देते आए, लेकिन हमारा जुलाना में आज ना तो रोड है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना कोई अच्छे कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, मतलब एक भी चीज़ नहीं है सुविधा के नाम पर। वे लोग तो इंतजार कर रहे थे भाई कि हम तो केजरीवाल ने लेके आओगे, इसका आम आदमी पार्टी इस बार पूरी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो कई लोगों के जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं वो आपकी पार्टी को लेकर के या फिर आप जो यहाँ से प्रत्याशी है उसको लेकर के शायद आपके आपको ये बात कड़वी भी लग सकती है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ लोगों का कहना है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इनेलो की तरफ से या अमरजी डंडा या फिर कविता दलाल, वो कह रहे हैं कि भैया तो विनेश फोगाट की वोट काटू है, वोट काटने वाले हैं ये, तो आप कह रहे हैं कि भाई आप जीतने वाले हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं भैया तो वोट काटने वाले हैं। ये तो जनता तय करेगी भैया, 8 तारीख ने जनता बता देगी कौन वोट काटू है। नेशनल पार्टी के हम लोग कैंडिडेट हैं और सभी अपनी अपनी विचारधारा को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग किसकी विचारधारा को ज़्यादा पसंद करते हैं ये मायने रखता है। और आम आदमी पार्टी जो आम मजदूर किसानों की पार्टी है, लोगों को काम की ज़रूरत है, उनके विकास की ज़रूरत है। अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, जो ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ हमेशा वादे झूठे गारंटियाँ देते आए हैं और जब पूछने जावे हैं, जब धक्कों के सिवाय उनको कुछ नहीं मिलता। अब की बार लोगों ने मन बना रखा कि हमें तो सिर्फ केजरीवाल इन चीज़ों से उबार सके हैं। भाई आम आदमी ने और क्या जरूरत हो है, अब उनके बालक अच्छे पढ़े लिख जा, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान हो जा। इस सरकार के अधिकार होते हैं, उनका कर्तव्य है कि अपनी जनता का ख्याल रखना। आज तक जनता को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन ईव लोगों के समझ में आ गया कि भाई आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब किसान के बारे में सोचा है। बहन जी, जुलाना में वायदे तो सभी नेता करते हैं, MLA बन भी जाते हैं और, लेकिन बाद में ग्राउंड लेवल पर विकास नहीं दिखाई देता, आपने भी नोटिस किया, और क्या क्या कमी आपको नज़र आने लगी जुलाना के अंदर? इससे पहले मंत्री तक यहाँ मतलब कहते भी मंत्री बनेंगे और बड़े बड़े वायदे करते हैं, कांग्रेस का राज भी रहा यहाँ पर, इनेलो का भी विधायक रहा है, तो JJP का भी विधायक था, अभी तो सरकार में भी हिस्सा था, लेकिन बावजूद खुद देख सकते हैं आपके सामने ये इस रोड की स्थिति भी आप देख सकते हैं, आपने क्या नोटिस किया जुलाना में, क्या क्या कमियाँ? भाई आप अपने कैमरे के माध्यम से, मैं तो चाहती हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश को दिखाओ कि जो इन्होंने वादे किए वो असलियत है, आज आके देख लो। नेशनल मीडिया जुलाना के अंदर है, आप अंदर यहाँ पे हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा। आज चांद पर जाने की बात करते हैं लोग, लेकिन आज घरों में पीने के पानी तक नहीं पहुँच पाया है। आज के घरों घरों में मैं जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, सिर पर तो आज भी मटका नहीं उतरा है लेडीज का, तो पीने के पानी तक की समस्या है। और तो सुधार और विकास की तो बात ही रहने दो भाई, नाली है, बारिश हो जाए रोड नहीं दिखाई देते, 2.5-2.5 फुट के गड्ढे हैं भाई। स्टेडियम में इतने खिलाड़ी हैं, स्टेडियम में जाकर देखो लोग गोड्डे अलग घास पाओगे, अपने ताले लटके हुए हैं उन पर, तो किस किस नाम पर आज वो लोग वोट मांग रहे हैं, मैं तो इस बात के लिए हैरान हूँ।
भाई जनता जनार्दन है, जनता जवाब देगी उनको 5 तारीख को वोट डाल के। चलिए, क्या अपील ग्राउंड मीडिया के माध्यम से और जो जनता जुलाना की जनता हमारे साथ जो चैनल के साथ जुड़ी है, क्या अपील चुनाव को लेकर क्या आप करना चाहेंगे? मैं पूरे जुलाना हल्के की जनता को ये कहना चाहूँगी कि देखो, आपने हर सरकार को मौका दिया और उनके काम भी देख लिए। अगर उन्होंने इतने अच्छे काम किए होते तो आज ये बदहाली ना होती। आपको एक नई सरकार को मौका देना है। मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि इस सरकार को आप आजमा के देखो, काम करके दिखाए हैं दिल्ली में, पंजाब में, और वहीं काम हरियाणा में भी होने हैं। बहकावा में लहरा में फंसोगे तो थारे पास खोने के लिए इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है, सिर्फ तन पर चमड़ी बच रही है। अगर अपने बच्चा का भविष्य आपने बचाना है, बच्चों के हाथ में किताब देनी है, तो आपको आम आदमी पार्टी सरकार चुननी पड़ेगी। और सभी से मैं वोट की अपील करती हूँ कि 5 तारीख को हर बुजुर्ग, हर महिला, हर नौजवान, हर भाई, मातृशक्ति जितनी भी हैं, बहनें हैं, सभी को जाके अपनी वोट का इस्तेमाल करना, अपनी वोट की ताकत दिखानी है। बिल्कुल भाई, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो काम किए थे, उस काम का डंका देश देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसका डंका दिल्ली में बजा था कि भाई केजरीवाल ने इस प्रकार से स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर कार्य किया है। ताऊ जी, आपको क्या लगता है जुलाना से जी, कि क्या लग रहा है जी? अच्छी जीत का होगी कविता दलाल, हमारी उठी बहुत अच्छा रहा, विकास के कार्य करेगी, जीत जाएंगी। हाँ बिल्कुल, आप ससुर है कविता दलाल। हाँ, तो जो है बड़ा अच्छा माहौल लग रहा, बहुत ही जुलाने की जनता का प्यार मिल रहा है हमें, और इसके साथ विश्वास के साथ कहते हैं कि कविता दलाल जीतेगी। बिल्कुल, चलो भाई, साथ साथ में क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर रखें कमेंट बॉक्स में, मर्यादित भाषा में, और कविता दलाल जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी, इनको लेकर के भी आप अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ जुलाना से मैं जब आरद्वाज़।